हमको बहुत प्यार मिल रहा है। पहली बात तो हमको ये नज़ारा देखने के लिए हम तरस रहे थे पूरे लाइफ, जो आज देखने मिल रहा है। तो आप लोगों को थैंक यू और लव यू ऑल। लव यू टू ऑल। जर्नी को लेके इतनी कमाल की जर्नी रही है, काफी सारे रिलेशन आपको आपने बनाए, कोई ऐसा रिलेशन जो आपके साथ हमेशा चलने वाला है इस घर के बाहर भी वो रिलेशन कामयाब रहेगा? हाँ, मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त बने हैं, अभिषेक और एल्विस। तो मुझे लगता है ये दोनों दोस्त मेरे साथ जिंदगी भर के लिए दोस्त रहने वाले हैं। हाँ, अभिषेक कितना फैन था अभिषेक मलान जो शुरुआत से उस जर्नी का हिस्सा रहे, एल्विस वाइल्ड कार्ड आए और वो जीते, और अभिषेक मलान के लिए कितना फैन था कि वो सेकंड आए? मुझे अगर क्योंकि एल्विस बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बट नो डाउट अभिषेक भी बहुत है, बट अगर मुझे जर्नी वॉइस देखा जाएगा तो बिग बॉस में हर दिन सर्वाइव करना वो भी बहुत बड़ी बात है। तो मुझे जर्नी में अगर कंपैरिजन किया जाए तो मुझे लगता है कि अभिषेक को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, बट अगर एल्विस जीता है तो वो भी डिजर्विंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता उनको बहुत ज़्यादा पसंद की है। बट फिर अगर स्ट्रगल बोला जाएगा तो जो वाइल्ड कार्ड आते हैं उनको स्ट्रगल कम करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ एक एक दिन भी सरवाइव करना बहुत बड़ी बात है। कभी हाँ, लेकिन आप लोगों ने कहीं ना कहीं एल्विस को लेकर काफी आप लोगों ने कुछ बोला कि ही इज नॉट डिजर्विंग बिकॉज ही द वाइल्ड कार्ड। हाँ 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 हाँ, आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब आप लोगों के वो अच्छे फ्रेंड थे लेकिन आप लोगों ने ऐसा कहा डिजर्विंग नहीं है, बट बात है कि अंदर अगर अभिषेक भी मेरा कितना भी जिगरी है, बट हम गेम को जब गेम की तरह देखते हैं कि नहीं यार यहाँ पे मेरे अपनी बहन भी होती, बट जब बात फेयर गेम का आता है, क्योंकि वहाँ पे 60 दिन रहना, और जब हम वहाँ रहे हैं कभी जब आपको लोग रिजेक्ट करते हैं या आपको नॉमिनेट करते हैं और जब आपसे झगड़े करते हैं, तो एक पॉइंट पे आता है यार मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है, फैमिली के पास जाना है। तो वहाँ एक एक दिन सर्वाइव करना बहुत